आरएसएस तो कहती है हम तो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी तो राष्ट्र के लिए काम करता है हिंदुस्तान। वो कहते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करता है देश के खिलाफ काम, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अगर देश के खिलाफ काम करता है आप उसके लिए कोई सबूत तो लेके आओ। क्या मुसलमानों की खिदमत करना राष्ट्र का खिदमत करना नहीं है? मुसलमान राष्ट्र का हिस्सा नहीं है? सिर्फ हिंदुस्तान में यही एक मुद्दा है कि पीएफआई का कहां कहां तब्बर है, ये मुद्दा नहीं कि महंगाई कहां जा रही है। हिंदुस्तान की जितनी भी संस्थाएं हैं जो लोगों के लिए अच्छाई का काम कर रही हैं, अगर वो सारी गलत कर रही हैं तो फिर सभी को बैन किया जाए। ये मीडिया वाले सिर्फ झूठ भरोस रहे हैं, आपस में सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन इस पर क्यों नहीं बहस होती? महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ पर है, नौकरी नहीं मिल रही है। मैं सर जिस इलाके में मौजूद हूँ उसको शाहीन बाग कहा जाता है। ये वही शाहीन बाग है कि जहाँ उसी तंजीम का दफ्तर है कि जिस पर छापा लगा पीएफआई का दफ्तर, कि जिस पर एनआईए और ईडी ने रेड की और इस रेड में दफ्तर को सील कर दिया गया। फुलवारी शरीफ का मामला आपको याद होगा कि जिसके बाद किस तरह से पीएफआई की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गईं और अब इस संगठन को बैन करने की बात मौजूदा सरकार की तरफ से सुनने में आ रही है। 100 से ज़्यादा लोग हैं पीएफआई के जिनको हिरासत में ले लिया गया है। शाहीन बाग से भी परवेज़ अहमद जो कि दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट है उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। यहाँ इस वक्त मैं जिस मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आम लोग इस तंजीम के बारे में बताएं कि आखिर ये तंजीम है क्या और क्यों इस तंजीम के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं, क्या है पीएफआई? क्या पीएफआई वाकई आतंकी जो संगठन है? कहा जा रहा है कि पीएफआई आतंकवाद फैलाती है, पीएफआई देश का माहौल ख़राब करती है, ऐसा है, सच है ये? नहीं सर, ऐसा कुछ सच नहीं है, बस मदरसों को बदनाम करने की साजिश चल रही है। बुनियादी बात यही है, कहते हैं कि ऊपर मत देखो नीचे देखो, एक मदरसों को बदनाम करने की साजिश चल रही है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश चल रही है, वरना ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। मदरसों का सर्वे चल रहा है, अच्छी बात है, इससे शक चाहिए होना चाहिए, कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। तो पीएफआई सही काम करती है? बिल्कुल सही काम करती है। सरकार तो कह रही है आतंकवाद फैलाती है? सरकार तो बहुत कुछ कहती है, सरकार का कहा हुआ सब कुछ ठीक थोड़ी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीम खान। अच्छा, कहा जा रहा है कि भाई पीएफआई जो है वो एक ऐसा संगठन है जो देश विरोधी जो साजिशें हैं और गतिविधियां हैं उनमें मुलव्विस पाया जा रहा है और 100 से ज़्यादा लोग पीएफआई के अरेस्ट कर लिए गए, क्या समझते हैं आप? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, एक मुस्लिम सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों की एक आवाज़ और साथ साथ दलितों की भी एक आवाज़ और इसके अलावा पसमानदा जितने भी तबकात उसकी एक आवाज़ है और उन मजलूमों के लिए काम करती है। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप का रेगुलर प्रोग्राम करती है। और आप ये समझिए कि कोविड का मैटर हुआ तो पूरे नेशनल वाइड एक डिज़ास्टर था, या कोविड पैंडमिक था, तो उस पैंडमिक के अंदर लोगों की वो खिदमत करी है, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड भी करा है और बाकायदा उनका नाम दिया भी है कि क्या नाम उसका, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे वक्त में निकल के आई है कि जिस वक्त के अंदर गवर्नमेंट अपना कोई काम नहीं कर रहा, लाशें जमनों में बह रही हैं। लेकिन ये वही ऑर्गेनाइजेशन भी है कि जब फुलवारी शरीफ में छापा पड़ा तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के पास से जो दस्तावेज मिले उसमें लिखा हुआ था कि 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। 2047 का जो दस्तावेज है, मिशन 47 पे? मिशन 47 2047 के बारे में, पहली बात तो पीएफआई का कोई ऐसा मिशन है नहीं। अच्छा। और जिस मिशन के बारे में ये बात कर रहे हैं, एक बुकलेट है, उस बुकलेट के अंदर 4 पेपर ऐड कर दिए गए हैं। उस 4 पेपर ऐड करने के रख दिए पेपर। अब लाजिम बात है, आप समझ सकते हैं कि झगड़ा किस लड़ाई किससे है, वैचारिकता की लड़ाई किससे चल रही है, किसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये एक सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ एक पॉलिटिकल मूवमेंट निकल के आया था, तो ये आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एक जो मूवमेंट निकल के आया था, तो लाजिम बात है उनको प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि आरएसएस तो कहती है हम तो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी तो राष्ट्र के लिए काम करता है हिंदुस्तान। वो कहते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करता है देश के खिलाफ काम, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अगर देश के खिलाफ काम करता आप उसके लिए कोई सबूत तो लेके आओ। 10 सबूत आपके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शायद निकाल के दे सकती है, बतेरी हमने स्पीचों में सुना है उनके प्रोग्राम्स के अंदर। गांधी को मारने वाला गोडसे किसका मेंबर था? आरएसएस का मेंबर था। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं, पीएफआई के बारे में कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत? भाई साहब, पीएफआई एक सरकारी प्राइवेट संस्था है। अच्छा, क्या करती है ये? ये लोगों की भलाई के लिए काम करती है, आदिवासियों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है। आरएसएस क्या करती है? आरएसएस सर क्या करती है? आरएसएस क्या करती है आपको नहीं पता? आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा पता होगा आपको। बिल्कुल सर, आप बताइए ना क्या करती है।
आपने बड़े दावे के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी, वो मुसलमानों की समाज की सेवा करती है। अगर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों की सेवा करती है, पीआईएफ मुसलमानों की सेवा करती है, पीएफआई कोई काम फलाई का काम करती है, और क्या पीएफआई बिल्कुल नहीं। आपने पहला जो जुमला कहा है उसमें कहा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करती है वो पीएफआई क्या करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करती है, वो तो कहते हैं हम राष्ट्र के लिए समर्पित है, हिंदू समाज की है, राष्ट्र की समर्पण करती है। क्या मुसलमानों की खिदमत करना राष्ट्र का खिदमत करना नहीं है? मुसलमान राष्ट्र का हिस्सा नहीं है? अगर कोई मुसलमानों की तंजीम है जो मुसलमानों की जो है वो फलाह की है, उसकी भलाई का काम कर रही है, तो वो जो है राष्ट्र की सेवा नहीं कर रही। लेकिन सरकारी एजेंसियां कहती हैं, एनआईए कहती है, ईडी कहती है कि इनके पास बाहर से फंडिंग, ये देश तोड़ने की साजिश करते हैं। तो आपको पता है कितने लोगों पे आज तक जो है मुकदमे कायम हो चुके हैं, आज तक प्रूव नहीं कर पाए। शर्जील इमाम को कब से बंद कर रखा है आपने? आज तक प्रूफ नहीं कर पाए। कोर्ट ने कह दिया कि उसकी उसके भाषण से कोई जो है वो नहीं होता, देशद्रोह साबित नहीं होता, तब भी आपने उसको पकड़ के बंद कर रखा। तो कोई प्रूफ तो लाइए ऐसे आपके कहने से। सुरक्षा बात हो रही है कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए। पीएफआई को बैन, ये तो बोलते रहे, ये तो सब कुछ कहते हैं, ये तो जो मन में आ रहा बोल रहे हैं। इनके बोलने का से नहीं ना होगा, इनके बोलने से नहीं होगा। ये तो हाईकोर्ट में आकर सब मुकदमे फल का करके रिजेक्ट करवा दिए। तो इतना दिन से ये पेंडिंग था मुकदमा, और ये आते आते 10 दिन में 1 महीना में 4000 मुकदमे डिस्पोजल कर दिए। क्या ये किस कानून के तहत हुआ? इस सवाल तो उठाना चाहिएगा ना। हिंदुस्तान की जितनी भी संस्थाएं हैं जो लोगों के लिए अच्छाई का काम कर रही हैं, अगर वो सारी गलत कर रही हैं तो फिर सभी को बैन किया जाए ना। फुलवारी शरीफ का एक मामला बताया जा रहा है जिसमें फुलवारी शरीफ में जब रेड हुई तो उसमें जो कागजात मिले, कहा जा रहा है कि उसमें एक ऐसे कागज थे जिसमें पीएम मोदी की सुरक्षा को खतरा, और साथ ही देश को 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात पीएफआई करती है। क्यों मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप? कर रहे हैं उनको जो डॉक्यूमेंट मिले उनको, वो फर्जी है, ओरिजिनल है, उनको पब्लिश करो ना भाई। तो एक ही मुद्दा लेकर आए थे शाहीन बाग में, पीएफआई के दफ्तर पर रेड हुई थी, और हम वही मुद्दा आप लोगों के बीच लेकर आए क्योंकि आप स्थानीय लोग हैं। आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों रेड हुई और क्यों पीएफआई निशाना? हम तो ये लेकर आए थे। तो आपने पीएफआई के ऊपर एक प्रश्न किया है कि शाहीन बाग में उसका दफ्तर है, ये बात तो बहुत पहले भी आ चुकी थी जब सीएएनआरसी का जब धरना चल रहा था, उस वक्त ये पकड़ा वो पकड़ा फकड़ा। मैं सिर्फ आप एक लाइन कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया? सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कमेंट किया? अभी अभी रिसेंटली कमेंट ये किया, ये मीडिया वाले सिर्फ झूठ परोस रहे हैं, आपस में सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, जो सच्चाई है उसको नहीं दिखाते हैं। कि मेरा यही कहना है कि सिर्फ हिंदुस्तान में यही एक मुद्दा है कि पीएफआई का कहाँ कहाँ तब्बर है, ये मुद्दा नहीं कि महंगाई कहाँ जा रही है। ठीक एक मिनट, लेकिन इस पर क्यों नहीं बहस होती? महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ पर है, नौकरी नहीं मिल रही है जिसको चाहे उठा।